शहर के साथ साथ पूरे जिले में कोरोना के संभावित थर्ड वेव के खतरे को देखते हुए 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें लगभग सभी दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कोविड के नियमों का पालन करते हुए खोलने की छूट दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के चलते शहर के बाजार बंद है, लॉकडाउन भी आगे बढ़ाया है, लेकिन अब की बार नियमों के कुछ बदलाव भी किया गया है। ब्रेक द चेन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद अब नागपुर महानगर पालिका ने भी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ गैर जीवनावश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को सख्त पाबंदियों के तहत खोलने की छूट दी है। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कल सभी मनपा पदाधिकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नियमों में छूट की जानकारी दी, जिसके चलते आज सुबह बाजार खुले। यह बाजार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बंद रखना होगा। आज हमारे टीम ने सीताबर्डी के मार्केट परिसर का जायजा लिया और दुकानदारों से संवाद साधा, तो कपड़ा व्यवसायिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा 7 से 2 बजे का समय दिया गया है, जो बदल कर 11 से 5 बजे तक करे, ताकि लोग खरीदारी करने आ पाए। आज ये 55 दिन के बाद में लॉकडाउन ओपन हुआ है, इसके हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिन्होंने टाइमिंग रखा हुआ है 7 से 2 का, ये तो हमें को समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा जैसे कपड़े का काम है तो हमारा पर्टिकुलर लेडीज़ कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, वो पहले अपने घर का काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि हमारे परचेसिंग करने आएंगे। अब बचा आधा घंटा, अब हमको सही कहा कि बंद कर देना है, बंद नहीं करेंगे तो प्रशासन अभी आके हमारा दुकान का चालान कर देंगे। तब आप बताइए दुकानदार ने क्या करना चाहिए। तो इस बात का हमें बड़ा भरोसा है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को 11 बजे से रात के 8 बजे का टाइमिंग दे, बाद में रात में 8 से 6 बजे तक कर्फ्यू लगाए, जनता कर्फ्यू। हम प्रशासन के साथ हैं और हमें कोई समस्या नहीं है। 55 दिन बाद आज खुल रही हैं शॉप्स। टाइमिंग को लेके थोड़ा सा हम लोगों को शिकायत है कि 2 बजे तक का जो समय है वो फैंसी रिटेल के हिसाब से काफ़ी अर्ली है। 11 बजे 11:30 बजे के पहले बाज़ारों में ग्राहक नहीं आते हैं, तो ये जो टाइमिंग है स्टार्टिंग में इनिशियली पहले 15 दिन के लिए कम से कम 5 बजे तक का करना चाहिए। भले ही सुबह हम लोगों को लेट खोला जाए, वो टाइम एसेंशियल का जो बना हुआ है 7 से 11 का, उसको वहीं मेंटेन करके अगर हमको 10 बजे से 5 बजे का समय दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एसेंशियल का टाइम भी साथ में रिटेल के साथ में बढ़ाएंगे तो बाज़ारों में गर्दी होनी होनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 बजे तक का समय होना चाहिए। 1 तारीख को बाज़ार खुले, इसके लिए धन्यवाद है प्रशासन का और सभी लोगों का। इतने दिन से जो परेशानी बीती है, जो बचा कुचा था सब खत्म हो गया है, यहाँ तक कि सोना गिरवी था वो भी बेच दिए। अभी गवर्नमेंट ने सोने के भी रेट कम कर दिए, तो सुनार लोगों की भी चांदी हो गई है कि जो 50 का रेट है अभी 40 के भाव में लिए, उनको भी सब खत्म हो गया। अब कोई स्थिति है ही नहीं आगे कुछ कमाने की। अगर सरकार इससे ज़्यादा लॉकडाउन करती है तो आत्महत्या के साथ दूसरा कोई चारा नहीं है पब्लिक के पास में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी से क्राइम बढ़ेगा। क्राइम से सरकार ने कुछ ना सहूलत दी जो दी है 2 बजे तक का, ये बहुत अच्छा टाइम दे दी है। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट कम होते आएंगे उसको टाइमिंग बढ़ाने का हम निवेदन करते हैं, टाइम बढ़ाए हमारे को, हमारे रोजी रोटी का जरिया दे कमाने का, क्योंकि हमारे पास दूसरे जरिया कोई नहीं है इसके सिवा, कपड़े के सिवा। सभी का अपना अपना, कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, उनको टाइमिंग है, दवाई वालों को टाइमिंग है, कपड़े वालों को टाइम टेबल नहीं है। तो इतनी तकलीफ हो गई है कि बता सकते नहीं मैडम, हम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस जो है समझ लो आपके सामने में अभी जो 2 बजे टाइम मिला है उसमें भी जो धंधा हो गया है 200-250-300 रुपए का, उसी से घर चलाएंगे। नहीं माल बेच के खाने का काम भी हम कर सकते हैं, अपना माल बेच के। अभी आज ये पोजीशन है कि कोई 500 रुपए देने वाला नहीं है। आज 55 दिनों बाद मार्केट खुला है, बाजारों में लोग खरीदारी करते नजर आए, मार्केट गुलजार हुए, फिर से बाजारों में खोई हुई रौनक लौट आई है। फिर भी नागरिकों ने सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। P2C आज 1 जून को पूरे 55 दिन के बाद जो है बाज़ारों में रौनक लौट आई है। हम देख पा रहे हैं हम फिलहाल बर्डी के बाज़ार में आए हैं और हम देख पा रहे हैं कि आज पहला दिन है जहां पे प्रशासन के आदेश के बाद जो है दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, और जिसके बाद जो है ये दुकानें जो है मार्केट की हमें खुली दिख रही है और लोग भी काफ़ी अच्छे से खरीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बर्डी का ये मार्केट है, हालांकि आम दिनों यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, आज पहला दिन है और टाइमिंग जो प्रशासन द्वारा दिया गया है सुबह 7 से 2 बजे का, उस पर भी कहीं ना कहीं जो शॉपकीपर से उनके द्वारा जो है नाराज़ी जताई गई है, क्योंकि कहा जाता है कि 7 से 2 ये टाइमिंग
कपड़ों की दुकानों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भी यहाँ के दुकानदारों का कहना है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज नागपुर।